जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन और वॉरियर वैंग की अब आपस में फाइट होनी है, इसलिए हाउशन टीचर ये हुआ से वॉरियर वैंग के बारे में बात कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वैंग युआ अपने पिछले मैच के बाद 2 दिन के लिए कहीं गायब हो गई थी और वो टॉप 16 में अपनी जगह बनाने के लिए आई है। अब हाउशन और वैंग वैंग में से जो जीतेगा टॉप 16 पोजीशन हासिल कर लेगा और दूसरा चना टॉप 16 में नहीं आ पाएगा। वॉरियर वैंग भी ज्यादा ताकतवर वॉरियर है, लेकिन असासिन उसको कमजोर समझ रही है क्योंकि वो लेवल 4 की है और हाउशन लेवल 5 का, इसलिए को यही उम्मीद है कि हाउशन ही जीतेगा, वो भी आसानी से। अब रेफरी हाउशन और वॉरियर वैंग को एरिना में बुलाता है और दोनों आमने सामने आकर खड़े होते हैं। वॉरियर वैंग कहती है कि तुम बहुत अच्छे नाइट हो, इसलिए जब मैं चैंपियनशिप जीत जाऊंगी तो तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगी। जिस पर हाउशन भी कहता है कि चैंपियनशिप की जीत तो मुझे ही हासिल होगी, इसलिए टॉप 16 में आना मेरे लिए जरूरी है और मुझे तुम्हें हराना ही होगा। अब वो दोनों लड़ाई शुरू करती है और वॉरियर वैंग अपने पंच से हाउशन पर हमला कर देती है और हाउशन अपनी और तलवार के साथ है, लेकिन फिर भी वॉरियर वैंग भारी पड़ रही है। वॉरियर वैंग स्पिरिचुअल लिक्विड पार का यूज करके इतनी जोर से पंच मारती है कि हाउशन की शील्ड टूट जाती है और वो बताती है कि 2 दिन के लिए जो मैं यहाँ से गायब हो गई थी, असल में मैं लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर रही थी ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं और तुम्हें हरा सकूं, इसलिए मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो कॉम्बैट फाइट करने लगता है और हाउशन अब भी कमजोर सा पड़ता नजर आ रहा था और वॉरियर वैंग हाउशन को हराने के लिए नहीं बल्कि उसको बुरी तरह घायल करने के लिए हमला कर रही थी ताकि आगे फिर हाउशन उसके लिए खतरा ना बने। वो उसके वाइटल ऑर्गन्स पर हमला कर रही है और उनमें आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही है। वॉरियर वैंग बिल्कुल डिफेंस यूज नहीं कर रही, जो दर्द उसे मिल रहा वो उसे सहन कर रही और अपना जोरदार हमला हाउशन पर कर रही, जिससे हाउशन को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। वॉरियर वैंग किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। हाउशन किलर सनशाइन अटैक का भी यूज करता है, लेकिन उसे भी वो डिफेंस नहीं करती बल्कि काउंटर अटैक करके उसको पीछे धक्का देकर गिरा देती है। हाउशन बहुत ज्यादा घायल हो गया है। वॉरियर वैंग अपने पिछले मुकाबले में बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए इस हिसाब से उसको कमजोर होना चाहिए, लेकिन वो हाउशन से कहती है कि तुम सभी में अच्छा होना चाहते हो, तुम गार्ड और डिसाइपल दोनों नाइट एक साथ बनना चाहते हो, इसलिए इस वजह से तुम किसी एक में भी अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी एक टेक्निक पर फोकस किया और उसमें मास्टरी हासिल की। हाउशन ऑब्सीडियन चॉप टेक्निक का यूज करता है और उस पर हमला करता है। वॉरियर वैंग इससे भी ज्यादा डिफेंस नहीं कर रही है और वो इसको सहन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, लेकिन उससे इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है जिससे उसका एब्सोल्यूट डिफेंस के साथ साथ उसकी तलवार भी टूट जाती है। एल्डर भी ये देखकर हैरान है क्योंकि ये लड़की एक स्प्रिंग की तरह है जिसे जितना ज्यादा दबाओगे उतने प्रेशर के साथ ये उछलेगी यानी हमला करेगी। क्या कहीं इसकी ये फिजिकल एबिलिटी तो नहीं? हाउशन अपनी टूटी हुई तलवार के साथ ही उससे लड़ने की कोशिश करता है और वॉरियर वैंग हाउशन को बहुत बुरा पीट रही होती है और कहती है कि ना तुम्हारे पास तलवार है और ना आर्मर, फिर भी तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो, इसे हिम्मत नहीं बेवकूफी कहते हैं। ऑडियंस ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई है और वॉरियर वैंग हाउशन से उसका मैजिकल बीस निकालने को कहती है क्योंकि वरना वो उसे एक ही ब्लो में हराने वाली है। हाउशन हाउए को निकालता है और हाउए हाउशन को लाइट प्लस स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ स्पीड फायर पार बढ़ जाएगी और अब हाउशन इन 3 एलिमेंट्स की वजह से अपनी हाईएस्ट स्टेट ऑफ पावर में है। हाउशन कहता है कि हर एक स्प्रिंग की एक कमजोरी होती है, अगर तुम उसे दबा नहीं सकते तो उसे बीच में से काट डालो और मैं इसी कमजोरी का यूज करूंगा, और ये कहकर वो सनशाइन अटैक उस पर कर देता है। वॉरियर वैंग इसको भी डिफेंस नहीं करती है और अपनी बॉडी से ही इसे टैकल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अटैक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी इसलिए वो पीछे गिर जाती है और घायल हो जाती है। वॉरियर वैंग को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि जितने भी पावरफुल मूव्स अब सारे यूज करो एक साथ, मैं जल्द से जल्द तुम्हें हराना चाहती हूँ। हाउशन हाउ इसे और पार लेता है और वॉरियर वैंग को समझाता है कि अगर वो इसी तरह ही बिना डिफेंस के लड़ती रही तो उसकी लाइफ को भी खतरा है, लेकिन वॉरियर वैंग गुस्से में कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी अभी दुश्मन हूँ और मुझे सलाह देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाउशन की तलवार भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। वॉरियर वैंग अब अपना सबसे ताकतवर हमला यूज करती है और आसमान से अलग तरह की शक्ति उसके पास आने लगती है। वो पहली बार किसी वेपन का यूज करने वाली है। आसपास भूकंप आ जाता है और बाहर से भी लोग इस एनर्जी को देख पा रहे होते हैं। सभी के वेपन्स वाइब्रेट करने लगते हैं और तेज तेज, और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है, लेकिन तभी आसमान से बहुत बड़ी शील्ड वॉरियर वैंग के पास आकर गिरती है। इस शील्ड का ऑरा डिफाइन सील थ्रोन की तरह है और हाउशन सोचने लगता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन तभी एल्डर कहते हैं कि ये शील्ड ऑफ जायंट स्पिरिट गॉड है। ये वेपन 10,000 साल पहले देखा गया।
गया था और अब सभी को समझ आ जाता है कि ये लड़की ग्रेट स्प्रिंट गॉड की डिसेंडेंट है, इसलिए हर एक इंजरी के बाद ये और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो इस शील्ड को एक्टिवेट करने लगती है। एल्डर पूछता है कि जॉइंट स्पिरिट गॉड ब्लड लाइन तो कई साल पहले ही खत्म हो गई थी और हर एक इनका आर्टिफेंट खत्म हो गया था और दोबारा रिक्रिएट नहीं हुआ, लेकिन शायद ये एक बच गया था। इसके अंदर हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है और वॉरियर बैंक अब इसको एक्टिवेट कर देती है और इसके स्पिरिट गॉड को समन करके हाउशन पर हमला कर देती है। हाउशन इससे बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एल्डर्स ने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी है ताकि ऑडियंस तक इनके हमले ना जाए और एल्डर्स भी टेंशन में आ जाते हैं कि क्या वॉरियर बैंक इतनी बड़ी शक्ति से पार हार्नेस कर पाएगी। हाउशन इनसे डिफेंस और ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वॉरियर बैंक और ज्यादा उस शील्ड से पार एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ लेवल 5 पर है इसलिए उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन हाउशन को हराने के लिए वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है और पार हार्नेस करने लगती है। एल्डर्स ऊपर से चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, मैं ऑर्डर देता हूँ कि मैच बंद किया जाए, लेकिन वो लड़की उनकी एक नहीं सुनती और हाउशन पर हमला कर देती है। हाउशन को ये हमला लगने ही वाला होता है कि तभी हाउवे अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर जोरदार काउंटर अटैक करता है और हाउशन भी उस पर काउंटर अटैक कर देता है और फिर तभी वहाँ एल्डर आकर लड़की को रोक देते हैं जिससे वो बच जाता है। लेकिन वॉरियर बैंक की बार ड्रेन हो जाती है और वही बेहोश हो जाती है। एल्डर हाउशन को विनर घोषित कर देते हैं क्योंकि वॉरियर बैंक बेहोश हो गई है और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हाउशन बाहर अपने टीचर से मिलता है और वो वॉरियर बैंक के बारे में बातें करते हैं कि इस टाइम हाउशन लकी हो गया, अगर वो पार ड्रेन ना होती तो हाउशन के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। फ्यूचर में वॉरियर बैंक बहुत ज्यादा ताकतवर जरूर होगी और हाउशन को एक जोरदार टक्कर देगी। अब वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ हान्यू आता है, उसके हाथ में तलवार है और वो हाउशन की ही तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हाउशन को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वो उसके सामने नील करके कहता है कि मैं तुम्हारा कंपेनियन नाइट बनने के लिए तैयार हूँ और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखा कि हाउशन ने वॉरियर बैंक को हरा दिया है और फिर जब वो बाहर आया था तो तभी उसके सामने ज़ियाओ यू आ जाता है और वो उसका कंपेनियन नाइट बनने की बात करता है और ये सुनकर हाउशन और टीचर ये हुआ हैरान हो जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम चीफ पलातिन को देखते हैं जो कमरे में अपने बेटे के परिवार की फोटो देख रहे थे और वो याद करते हैं कि जब ज़ियाओ यू के पेरेंट्स जिंदा थे तो ज़ियाओ यू कितना खुश रहा करता था। उसे क्रिएटिविटी का बहुत शौक था। उसके पेरेंट्स आर्मी के अंदर एक बड़ी पोस्ट पर थे और ये तीन लोगों का परिवार बहुत खुश रहा करता था। बचपन में उसके पेरेंट्स उसके लिए खिलौना लाए थे और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया था और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो एक स्टैचू बना रहा है और वो अपने बर्थडे से पहले इसको पूरा कर देगा। अब प्रेजेंट में हाउशन चीफ पलातिन के पास अकेला आया है और वो चीफ पलातिन से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने ऑर्डर को बदल दे। चीफ कहते हैं कि क्या तुम ज़ियाओ को अपना स्कॉट नाइट नहीं बनाना चाहते? तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़ियाओ बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो लेवल 5 पर है और वो तुम्हारा कंपेनियन बनेगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। कंपेनियन नाइट बिना कुछ पूछे अपने मास्टर नाइट की हर बात मानता है और वो तुम्हें ओबे करेगा। युद्ध के अंदर वो तुम्हारा ढाल होगा और हमेशा तुम पर आने वाला खतरा खुद लेगा। उसका जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ होगा और सबसे खास बात, ज़ियाओ यू हमारी हान फैमिली का इकलौता वारिस है, इसलिए जो उसका है वो सब तुम्हारा होगा और पूरी हान फैमिली तुम्हारी हर एक मदद करने के लिए सबसे आगे रहेगी जो तुम्हें चाहिए। इस पर हाउशन कहता है कि सब ठीक है, लेकिन कोई भी किसी का एस्कॉर्ट नाइट बनने के लिए पैदा नहीं होता है। जिस पर चीफ कहते हैं हमेशा से उसे तुम्हारा कंपेनियन बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मेरे खुद का बेनिफिट है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो वो जिंदा रहेगा। मुझे पता था कि वो तुमसे आज जरूर मिलेगा क्योंकि ऑर्डर पर डेमन्स ने हमला कर दिया है और वो डेमन्स को मारना चाहता है और वो अकेला वहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो तुम्हारा कंपेनियन बनने के लिए राजी हो गया है। कुछ समय बाद डेमन रेस हमारे अलायंस पर अटैक कर देगी और उस टाइम टोटल 10 डेमन गॉड्स अपीयर होंगे। ये सुनकर हाउशन की आँख खुली की खुली रह जाती है और अब चीफ बरादर उसे पास की बात बताना शुरू करते हैं कि आज से 13 साल पहले 6 डेमन गॉड बेलीवर आया और उसने टेम्पल ऑफ नाइट के 10,000 से भी ज्यादा टेम्पल ऑफ नाइट्स के नाइट्स को मार दिया। फिर मैंने ज़ियाओ यू के पापा को इंचार्ज बनाकर डेमन से लड़ने के लिए भेजा था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जी ज़ियाओ यू के पापा को कह रहे हैं कि डेमन्स की ग्रेट आर्मी आ रही है और उन्होंने पहले ही कई लोगों को मार दिया है और तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपनी ट्रूप्स को लीड करके ड्रैगन किंगडम के बॉर्डर पर जाओ और वहाँ के रेजिडेंट्स की रक्षा करो। एक सच्चे सिपाही की तरह वो बिना डरे एक्सेप्ट करके जाने लगता है और अपने बेटे को इतनी बड़ी जंग पर जाता हुआ देखकर चीफ का मन पिघल जाता है और वो उसे रोककर पूछता है कि मैं हमेशा तुम्हें डेंजरस सिचुएशन में डाल देता हूँ, क्या तुम उसे
नफरत नहीं करते, जिस पर वो कहता है कि हम योद्धा हैं और अपनी मर्जी से युद्ध में जाते हैं। मेरे जैसे हजारों नाइट्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी है और अगर अब मैं पीछे हटूंगा तो मैं कायर कहलाया जाऊंगा और हमारे वंश को इस कलंक के साथ जीना होगा। मेरी जनरेशन साहस के साथ युद्ध में जाती है और जीत कर आती है। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और 3 दिन और 3 रात लगातार वो जेमन्स के साथ युद्ध करता है और फाइनली उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई के अंत में वो खुद अपनी पत्नी सहित मर जाता है, यानी ज्यायु अपनाथ हो जाता है। ज्यायु ने जब ये बात सुनी थी तब वो टूट गया था और चीफ अलादीन से गुस्सा हो गया कि आखिर उन्होंने उसके मम्मी पापा को इतनी डेंजरस जगह जाने का ऑर्डर क्यों दिया। अब प्रेजेंट में चीफ अलादीन कहते हैं कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया और शायद अच्छा ग्रैंडपा भी नहीं बन पाया। अपने पेरेंट्स के अंडर जब वो था तब ज्यायु बहुत ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स गए तो उसने अपनी क्रिएटिविटी भी छोड़ दी और जो वो बना रहा था उसे खुद अपने गुस्से से वो तोड़ डाली। उसने अपने मम्मी पापा का लाया हुआ तोहफा भी तोड़ डाला और फिर वो बहुत ज्यादा ट्रेन करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि वो ताकतवर होना चाहता था। और उसके मन में मेरे प्रति और डेमन्स रेस के प्रति नफरत बढ़ती चली गई और वो डेमन्स को मारकर अपने मम्मी पापा की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ डेमन गॉड से लड़ना उसके बस में नहीं है। डेमन गॉड से नाइट ऑफ डिवाइन सील, जिसके पास 6 ग्रेटर शाइन की डेमन स्लेयर टीम हो, वो ही लड़ सकते हैं। हाउशान अब समझ आता है कि जब ज्यायु उससे हारा था तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया था और वो क्यों इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता था। उसके मन में बदले की आग भरी हुई है और इस आग को लेकर वो खुद को लेकर इसमें भस्म कर ले। ये डर है ग्रैंडपा को। हाउशान और चीफ अलादीन आपस में बात कर रहे हैं और अब ज्यायु अपने टूर्नामेंट में से बाहर निकल चुका है, लेकिन हाउशान की वजह से वो हाउशान के लिए डीमन हंट टीम में लड़ सकता है और डीमन गॉड से लड़ने में अपने ऑब्सेशन को पूरा कर सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे भी आशा है कि तुम अपने इन्फ्लुएंस से उसे चेंज कर दोगे और उसे एक सही रास्ता दिखाओगे। ज्यायु जैसा आज है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ और मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ कि उसे अपना कंपेनियन बना लो। अपने आगे इतने बड़े चीफ को झुकता देखकर हाउशान तुरंत उन्हें उठाता है और कहता है, आप मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरह हाउशान चीफ बलैडन की बात मान जाता है। अब उनके बीच मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और रिचुअल स्टार्ट होता है। चीफ बलैडन कहते हैं कि सर्वेंट को अपने मास्टर को ओबे करना है और अगले आने वाले 5 सालों तक कंपेनियन नाइट अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकता है। मास्टर के हाथों में उसके कंपेनियन की लाइफ और डेथ होगी। और अब चीफ ज्यायु से पूछता है कि क्या तुम अपनी लाइफ हाउशान के नाम करने को तैयार हो, क्या तुम कंपेनियन नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो। ज्यायु आगे बढ़कर स्वीकार कर लेता है। अब चीफ बलैडन हाउशान से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो ज्यायु को अपने कंपेनियन नाइट बनाने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। हाउशान भी आगे बढ़कर उसकी तलवार पर अपना ब्लड बहाकर कहता है कि मैं सौगंध लेता हूँ, मैं अपने कंपेनियन नाइट को कभी नहीं छोड़ूंगा। चीफ बलैडन उनको कहते हैं कि तुम दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट रखना होगा और पूरे साहस के साथ अलायंस के लिए लड़कर डीमंस का सामना करना होगा। ये एक नाइट के लिए सबसे ऑनर वाली बात है कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसे युद्ध के मौके मिल रहे हैं। चीफ बलैडन उन दोनों के बीच मास्टर स्लेव वाला बॉन्ड क्रिएट कर देता है और उन दोनों को एक सील से आपस में बांध देता है। लेकिन तभी अचानक ज्यायु के हार्ट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। चीफ बलैडन तुरंत उसे हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर की पावर ऑफ लाइट एकदम ग्रो हो गई है जिससे ऐसा हो रहा है। और वो सब टेंशन ले ही रहे थे कि तभी अचानक से वो उसी जगह से टेलीपोर्ट होकर कहीं पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ कैसे आए, लेकिन तभी हाउशान और ज्यायु हवा में उड़ जाते हैं और आसपास के स्टोन पिलर हाउशान के अराइवल से ग्लो होने लगते हैं और वो 97 पॉइंट्स तक ग्लो हो जाते हैं, जो कि हाउशान की इननेट स्पिरिचुअल पावर को दर्शा रहे हैं। 97 पॉइंट्स सुनकर चीफ बलैडन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाउशान सन ऑफ लाइट है। आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है और आसमान में बहुत ज्यादा लाइट ग्लो होती है। हमें तभी एक एल्डर को दिखाते हैं जो इतनी सारी एनर्जी को फील करके कहते हैं कि ब्लेस लैंड ओपन हो गई है और लेजेंडरी सन ऑफ लाइट जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं आया था वो अपीयर हो गई है। वही चीफ बलैडन भी समझ जाते हैं कि वो वहाँ खड़े हैं, वो जगह ब्लेस लैंड ऑफ सन ऑफ लाइट है और जब सॉन्ग ऑफ लाइट किसी को अपना कंपेनियन बनाता है तो वो ब्लेस लैंड में आ सकता है और सन ऑफ लाइट की इननेट स्पिरिचुअल पॉइंट्स का भी थोड़ा पार्ट वो शेयर करता है, यानी ज्यायु को भी इननेट स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा अब बढ़ जाएगी। और तभी ज्यायु की इननेट पावर 63 से 80 पहुंच जाती है और ये देखकर टीचर ये हुआ हैरान हो जाते हैं। चीफ बलैडन भी सोचते हैं कि 6000 के डार्क एरा के बाद फाइनली सन ऑफ लाइट आ गई है और जिस टर्निंग पॉइंट की ह्यूमैनिटी को जरूरत थी वो अब आने वाला है। अब उनका रिचुअल पूरा होता है और आसपास हर जगह हरियाली छा जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं और ज्यायु नोटिस करता है कि उसकी इननेट स्पिरिचुअल पावर 80 पॉइंट्स हो गई है और अब मेरे पास चांस है कि मैं 11-9 पर आकर डीमन गॉड को चैलेंज कर सकूं और अपने मम्मी पापा का बदला ले सकूं। ये सब मुझे हाउचेन ने दिया है और मैं पहले पागल था जो उसका कंपेनियन नाइट बनने के लिए मना कर रहा था। हाउचेन आगे आकर अपना हाथ बढ़ाता है और ज्यायु अब खुशी से उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि आज की बात मेरी हर लड़ाई आपके लिए ही होगी और फिर उसके साथ
साथ वो हाथ मिलाता है और दोनों सच्चे साथी बन जाते हैं। अब कुछ देर बाद हाउचेन चीफ ब्लैडन के आगे कहता है कि क्या आप मेरे और मेरे टीचर यहुआ के बीच पेट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूम्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं, जिस पर चीफ ब्लैडन कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। जिस पर टीचर यहुआ थोड़ा उदास होते हुए चीफ के आगे झुककर कहते हैं कि असल में मेरी इननेट स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स है। ये सुनकर चीफ ब्लैडन के होश उड़ जाते हैं कि इतनी कम इननेट स्पिरिचुअल पावर के बावजूद टीचर यहुआ 5th लेवल पर है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ तक कल्टीवेट कैसे किए, तुम्हें तो लेवल 2 को भी पार नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये तो चमत्कार है कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। हमारे कॉन्टिनेंट में 10 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से कम है, जिस वजह से उनका नाइट बनने का सपना अधूरा ही रह जाता है, लेकिन तुम्हें लेवल 5th पर देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और तुम्हारा 5th लेवल पर होना उन सब बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर उन बच्चों को भी हम नाइट बना सके तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी गाइडेंस में तुम्हारे लिए लड़ाई करेंगे। ये सुनकर यहुआ हैरान है कि वो भी ह्यूमैनिटी के लिए एक होप बन सकता है। चीफ ब्लैडन कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे तुम कई लोगों की मदद कर सकोगे और उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाओगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।